शहनाई का आनंद लेंगे। और आज हमारे बीच में नई दिल्ली से पधारे श्री लोकेश आनंद शहनाई की प्रस्तुति देंगे। यहाँ पर लोकेश आनंद जी स्टेज पर आए, उसके पहले मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। श्री लोकेश आनंद का जन्म सन 1978 दिल्ली में हुआ। लोकेश ने शहनाई वादन की आरंभिक शिक्षा 10 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री कालीचरण जी से प्राप्त की। तत्पश्चात विश्वविख्यात शहनाई वादक पंडित अनंत लाल दयाशंकर जी से शहनाई की गहन शिक्षा तथा तकनीक प्राप्त करने का आपको सुअवसर प्राप्त हुआ। आपको पंडित राजेंद्र प्रसन्ना से भी प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्राप्त है। वर्तमान में संगीत मातंड पंडित जसवर जी के सानिध्य में संगीत की बारीकियां सीख रहे हैं। पंडित जी की शिक्षा ने लोकेश के वादन में गायन एवं वाद्य शैली का एक मिश्रण किया है, जिसका प्रभाव आपके शहनाई वादन में बखूबी दिखाई पड़ता है, जिससे आपके शहनाई वादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सुर और लय पर नियंत्रण, दुर्लभ और उत्कृष्ट तानों की तकनीक, सहज कलात्मक भावात्मक गुणवत्ता के साथ संयुक्त गायन और तकनीकी वादन शैली की प्रतिभा आपके वादन में दूसरों से भिन्न दिखाई देती है। आपने देश और विदेश के लगभग सभी बड़े संगीत समारोह में अपना प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य है ताज महोत्सव संगीत समारोह, आइडिया जलसा, तीन प्रहर बनियन ट्री, पंडित मणिराम मोतीराम संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह, सिंधु दर्शन समारोह, श्रुति मंडल जयपुर, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, संकट मोचन संगीत समारोह, आपको कई सम्मानों से भी अलंकृत किया जा चुका है। शहनाई रत्न, संगीत साधक, संगीत रत्न, सुरमणि, अभिनव कला सम्मान, संगीत कला गौरव, यश कला सम्मान। आप वर्तमान में आकाशवाणी दिल्ली से ए श्रेणी के कलाकार हैं। आपने दुनिया भर के समझदार संगीतकारों की प्रशंसा प्राप्त की है। आपके प्रदर्शन, व्याख्यान, कार्यशालाओं की विदेशों में अत्यधिक सराहना की गई है। आपने एकल शहनाई वादन हेतु बहुत से देशों की यात्रा की है, जिसमें मुख्य है जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल, हांगकांग, चीन, भूटान, यूएई, रूस, पुर्तगाल, इटली, टर्की प्रमुख है। आपके साथ तबले पर हैं श्री आशीष सेन गुप्ता। आशीष सेन गुप्ता के प्रथम गुरु आपके पिता श्री रंजीत कुमार सेन गुप्ता हैं। उसके पश्चात आपने पंडित नानकू महाराज तथा तत्पश्चात पंडित महापुरुष मिश्रा से तबले की शिक्षा प्राप्त की। आप बनारस घराने के कलाकार हैं। देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर आपने अपने कार्यक्रम दिए हैं। संप्रति आप दिल्ली विश्वविद्यालय में तबला विषय में फैकल्टी मेंबर हैं। शहनाई में ही सह संगत देंगे श्री कपिल कुमार, जो कि इस शहनाई वादन में निपुण है और पिछले कई वर्षों से श्री लोकेश आनंद जी से ही शहनाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और साथी कलाकार के रूप में मंच साझा करते हैं। प्रस्तुत है, मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लोकेश आनंद एवं उनके संगत कार्य को। कृपया मंचासीन हो, जोरदार तालियों से लोकेश आनंद जी का स्वागत करें। हमारे बीच में पंडित सुरेंद्र व्यास जी उपस्थित हैं, मैं उनका इस मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे कलाकारों के स्वागत के लिए मैं प्रभारी प्राचार्य श्री सुनील अहिरवार जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और आज के हमारे कलाकारों को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। श्री लोकेश आनंद, तबला संगति कर रहे हैं श्री आशीष सेन गुप्ता, एवं शहनाई संगत कर रहे हैं श्री कपिल कुमार नई दिल्ली। तो आइए रसास्वादन करें लोकेश आनंद शहनाई वादक नई दिल्ली। धन्यवाद।
धन्यवाद।